हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त रॉयल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट में अपना फर्नीचर का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत आराम के साथ मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, बहुत आराम से आप बिना कुछ पैसे लगाए अपना फर्नीचर का बिजनेस कर सकते हैं ऑनलाइन और एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप सबको पता है दोस्तों, आज की डेट में ई कॉमर्स बिजनेस एक बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों पर है और आगे आने वाले सालों में ये बिजनेस बढ़ने ही वाला है। ई कॉमर्स बिजनेस में अगर आप आज से काम करते हैं तो आने वाले कुछ समय में ही, इनफैक्ट 6 महीने में ही आप काया पलट कर सकते हैं। बस आपको तरीका सही पता होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूं, इस मेथड को देखने के बाद आप आराम के साथ में अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन फर्नीचर शॉप बेसिकली ओपन कर सकते हैं और एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहां पर फर्नीचर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें कि ना पर कस्टमर की जो बाइंग रेंज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जो आपका एक कस्टमर है ना, वो भी अगर आपके पूरे घर का फर्नीचर खरीदता है तो वो भी 50-60 हज़ार, 1-1 लाख का होता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अगर आपको अच्छे खासे कस्टमर मिलते हैं ना ऑनलाइन में, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर और पूरा मेथड आपको बहुत आराम के साथ में समझाता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फर्नीचर का बिजनेस आपको यहाँ पर कोई फिजिकल स्टोर नहीं खोलना, आपको कोई फर्नीचर की शोरूम नहीं खोलना, आपको कोई फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं खोलनी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सर्विस देनी है। अब ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, मैं बहुत सारी फर्नीचर शॉप्स पर मैंने विजिट किया अपने घर का फर्नीचर लेने के लिए। उनसे बात करने के बाद मेरे को पता चला कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऑनलाइन अपने फर्नीचर को डाल पाएं। काफ़ी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे, शॉपक्लूज, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इनफैक्ट उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपनी वेबसाइट डेवलप कर सके। एंड इनफैक्ट मैंने बहुत सारे फर्नीचर शॉप्स पर विजिट किया, किसी की भी अपनी वेबसाइट नहीं थी। एंड कुछ शॉप्स पे मैं गया तो उनकी वेबसाइट थी, बट उस क्वालिटी की वेबसाइट नहीं थी जहां पर जाने के बाद बंदा उनसे, मतलब उस वेबसाइट में बिल्कुल घूम जाए और वहां से माल लेकर ही निकले। नहीं, ऐसी कोई क्लिकेबल मेरे को ऐप नहीं दिखी, उनका वेबसाइट नहीं दिखा। तो यहां पर करना क्या है, देखिए वो लोग तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने काम को लेकर कि उनके पास इतना भी टाइम नहीं कि वो ऑनलाइन पोर्टल्स पर डाल पाए। और कुछ जो छोटे फर्नीचर की शॉप्स थी, उनको तो भैया मतलब ही नहीं है ऑनलाइन बिजनेस से, उनको मतलब कुछ लेना ही नहीं है ऑनलाइन बिजनेस से, वो अपने ऑफलाइन बिजनेस में फिजिकली बेड को बनाकर बेच रहे हैं, बड़े खुश हैं। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ये निकल के आती है कि आप उन सारे लोगों से कॉन्टैक्ट करेंगे और उनके सारे कैटलॉग्स को आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे लिस्ट करेंगे। सिंपल सी बात है। अब आपको करना क्या, आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको बाइक उठानी है और अपने मार्केट में जितनी फर्नीचर की दुकान है उन सब पे विजिट करना है, उनके ऑनर से बात करनी है। और ऑनर से बात करने के बाद ही आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। आप उनके फर्नीचर के सारे कैटलॉग देखिए। अब देखिए, जब मैंने जितनी भी दुकानों में मैंने विजिट किया, कुछ लोगों के पास तो एल्बम थी, जैसे फोटो एल्बम होती है। उन्होंने, जब मैंने बोला कि हाँ भैया मेरे को बेड दिखाइए, सर रेंज बताइए, मैंने बोला 40,000 के आसपास, तो उन्होंने सीधा मेरे को एल्बम दिया, बोला सर 40,000 की रेंज में ये बेड आपको मिलेंगे। सिंपल। अब कुछ दुकानों पे मैं गया तो उनके पास एल्बम नहीं थी, उनके पास था फोन। अब उनके पास फोन में सारे फोटोज थे। कुछ के पास गया तो वहां पर भैया कुछ भी नहीं था, उनका शोरूम है, आप वहां पर देख सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको एल्बम मिल रहे हैं आप एल्बम ले लो, अगर आपको फोटोज मिल रहे हैं आप सारे फोटोज व्हाट्सएप करवा लो, एंड साथ में प्राइस भी साथ के साथ पूछते हो। बेहतर ये होगा कि अगर आपके पास कोई डायरी है तो आप लिख सकते हैं, आपने दुकान का नाम सबसे पहले लिख लिया, ठीक है भैया डायमंड फर्नीचर हाउस, आपने लिख लिया, हाँ भाई बेड किस रेंज का है, प्लाईवुड का है या लकड़ी का है या बोर्ड का है। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो बोर्ड की चीज़ें होती है, यानी बोर्ड का फर्नीचर होता है, वो सस्ता होता है, बट उसकी जो लाइफ होती है वो कम होती है, वो कुछ दिन बाद भुरने लगता है, भुरने लगता है इन द सेंस वो उसके कोने खराब होने लगेंगे। अब उसका अगर आपने कोई कुंडा लगाया, अगर वो कुंडा एक बार निकल गया तो सेम जगह पर वो कुंडा नहीं लग सकता। वो बोर्ड बहुत हल्की क्वालिटी के होते हैं, बट हाँ उनका फर्नीचर बहुत ज़्यादा सस्ता आता है। उसके ऊपर आते हैं प्लाईबोर्ड, बट प्लाईबोर्ड थोड़े मजबूत होते हैं, बोर्ड से अच्छे होते हैं बट इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। और उसके ऊपर आती है फिर लकड़ी। तो आप इन तीनों की रेंज पूछ सकते हैं। एंड आपको मैं बता दूं, ऑनलाइन ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर फर्नीचर के बिजनेस में, क्योंकि ऑनलाइन में बोर्ड के फर्नीचर बहुत महंगे महंगे बिक रहे हैं भाई। छोटे छोटे टेबल 18,000, 20,000, 22,000, 26,000। अब यहाँ पर आपको करना सिंपल सा है, आपने 4-5, 10-12 जितनी भी आपके यहाँ पर फर्नीचर की दुकान है वहाँ पर आपने विजिट करना है, उनसे बात करनी है, ऑनर से सारे प्राइजेस पूछने। उसके बाद उनको कहना है कि सर ऐसा है, मैं ऑनलाइन अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मैं आपके जो भी बेड हैं इन सबको ऑनलाइन पोर्टल्स पर डालूंगा, मेरी खुद की वेबसाइट है, मेरी खुद की एप्लीकेशन है। आपको ये कहना है और बोलना है कि जो भी ऑर्डर्स आते हैं मेरे पास वो ऑर्डर्स मैं आपको दूंगा, बट हाँ जो ये आपका 22,000 का बेड है वो आपको 20,000 का मेरे को देना पड़ेगा या 17,000 का, 18,000 का, जिस तरीके से आप बार्गेन कर सकते हैं उस तरीके से आप करिए। बट हाँ उनको ये चीज़ का आश्वासन जरूर दीजिए कि सर मैं आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स लेकर आऊँगा। अब आप ये समझ लीजिए, जितने ऑर्डर आप पूरे दिन में करते हैं ना ऑफलाइन, उससे ज़्यादा मैं आपको दूंगा ऑनलाइन, वो मैं आपको ऑर्डर्स बताऊँगा, आपको बस मेरे को बनाकर माल भेजना है।
बट उनसे एक शर्त रखनी है कि आप साइड में अपने स्टिकर चिपकवाएंगे उसमें। ध्यान से सुनिएगा ये चीज, कुछ नहीं करना, आप अपने स्टिकर्स बनवा लो और जब आप उनका बेड बन जाए, चाहे तो वो खुद चिपका दें या फिर आप उनके बेड जब आपके पास आते हैं या आप डिलीवरी के लिए पैकेज भेजते हैं तो अपना स्टिकर उसमें अपनी शॉप के ब्रांड के ब्रांड नेम के साथ आप उसको भेजेंगे। यानी कि अगर अगली बार किसी को भी उस एरिया में चाहिए तो वो आपको डायरेक्ट फ़ोन कर ले। समझिएगा बात को, जो ये जो फ्लिपकार्ट अमेजोन इनका जो कमीशन है ना वो भी कट जाएगा इससे। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आप नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एटलीस्ट अपनी ब्रांडिंग ज़रूर करवाओ बेड में। ये नहीं कि उनकी शॉप के नाम से जा रहा है, नहीं, वो जाना चाहिए आपके। मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल आपने अपनी शॉप का नाम रख लिया, ऑनलाइन स्टोर का नाम रख लिया, कोहेनूर फर्नीचर हाउस, क्या कुछ भी आप रख सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो आपको हर बेड पे, हर सोफे पे, हर टेबल पे, हर काउच पे, हर रेक्लाइनर पे, अलमीरा पे अपनी ब्रांडिंग करनी है कोहेनूर फर्नीचर हाउस। बस इतना सा काम आपको करना है और ऑनलाइन पोर्टल्स पे लिस्ट कर देना है। आप उनको अमेजोन पे कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे कर सकते हो, इंडिया मार्ट पे कर सकते हो, जहाँ से B2B भी हो जाएगा, लोग आपके आपसे बिजनेस के लिए भी खरीद सकते हैं बने बनाए फर्नीचर। एंड इनफैक्ट ये हो भी रहा है, तो आप इंडिया मार्ट पे भी डाल सकते हो, आप चेक कर सकते हो, इंडिया मार्ट पे भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने ऑनलाइन बिजनेस की ऑनलाइन दुकान खोल सकते हो। सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आप आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप फेसबुक पे एक पेज बना लो, इंडिया मार्ट पे, इंस्टाग्राम पे एक पेज बना लो, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। आप व्हाट्सएप के स्टेटस पे आप सारी चीज़ें अपलोड करते रहो, नए बेड अपलोड करते रहो, उनका प्राइस लिखते रहो। अब देखो, हमारे कॉन्टेक्ट्स में ही ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सोच रहे होते हैं, उनके दिमाग में चल रहा होता है यार घर का फर्नीचर चेंज करवा लेते, बहुत पुराना हो गया। तो जब आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया ना, तो वो उनको दिखेगा कि हाँ यार ये फर्नीचर इतने का, ये फर्नीचर ये बढ़िया लग रहा है बेड, तो चलो ऑर्डर कर देते हैं। वो डायरेक्टली आपको कॉल करेंगे, वहाँ से आपको लीड्स मिलेंगे, ऑर्डर भी मिलेंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम कैंपेन एंड फेसबुक कैंपेन आप रन कर सकते हो, जिससे कि आप मोर एंड मोर कस्टमर को डील कर सकते हो। आपका एड बेसिकली बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा और वहां से भी आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अगर वेबसाइट बनवा सकते हो। अब यहां पर बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हमें तो वेबसाइट के बारे में पता ही नहीं, हम कैसे बनाए, हमें नॉलेज नहीं है। आप गूगल पे जाओ और सिर्फ एक चीज़ वहां पर आपको टाइप करनी है, गुड वेबसाइट डेवलपर। बस इतना कर दो, बेस्ट वेबसाइट डेवलपर इन जलंधर, इन पंजाब, यहाँ चंडीगढ़, या कहीं भी आपको आपके एरिया में मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिल रहा आपके एरिया में, तो कहीं का भी वेबसाइट डेवलपर हो, आप उनसे कांटेक्ट करो, उनकी फीस पूछो और एक प्रोफेशनल वेबसाइट वहां से डेवलप करवा लो, उनसे बनवा लो और अपने सारे प्रोडक्ट वहां पर लिस्ट कर दो। सिंपल सा काम है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको ना ही कोई इन्वेंट्री रखनी है और आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। जब आपके पास अच्छे खासे ऑर्डर आने लग जाए फर्नीचर के और आपको पता चल जाए कि हाँ अब टाइम आ चुका है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये मेरे पास खुद की होनी चाहिए, तो फिर आपको फर्नीचर की तब तक बहुत नॉलेज हो जाएगी। जैसे कि 138 स्क्वायर मीटर की कौन सी प्लाईवुड आता है, 140 स्क्वायर मीटर का कौन सा प्लाईवुड आता है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। रॉ मटेरियल का प्राइस भी पता चल जाएगा, क्योंकि आप शॉप्स पे विजिट करते रहेंगे, चीज़ें देखते रहोगे, तो वहाँ पर आपकी जो दुकान में काम कर रहे हैं कारीगर उनसे भी जान पहचान हो जाएगी। तो आप उन्हीं कारीगर से पूछ सकते हो, भैया मेरे को ऐसा ऐसा कारीगर चाहिए, सोफ़ा बनाने वाला, बेड बनाने वाला। तो इस तरीके से फिर आप अपना फिजिकल स्टोर ओपन कर सकते हो एंड उस टाइम तक आपको ऑर्डर्स भी अच्छे खासे मिलने लग जाएंगे ऑनलाइन, और जब आपकी फिजिकल स्टोर हो जाएगी तो आपको ऑफलाइन भी ऑर्डर अच्छे मिलने लग जाएंगे। एंड साथ में जो आपके अंदर डर होता है ना कि यार बिजनेस स्टार्ट करूं, नहीं करूं, अभी करूं, कब करूं, ऑर्डर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो सब आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन आप अच्छा खासा बिजनेस पहले से कर रहे हैं। साथ ही में दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब भी आप ऑनलाइन किसी भी पोर्टल पर अपने फर्नीचर को ऐड कर रहे हो, लिस्ट कर रहे हो, चाहे वेबसाइट में लिस्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट की कैटेगरीज को बहुत अच्छे से रखना है आपको। बहुत ही अच्छा, बहुत ही विजिबल, बहुत ही अट्रैक्टिव, प्राइजेस बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर होने चाहिए एक ही बार में। कस्टमर मतलब अगर किसी फर्नीचर को देखे, उसका फोटोशॉप इतना अच्छा होना चाहिए कि वो बस उसमें ही घूमता रहे। आपकी वेबसाइट पर अगर एक बार कस्टमर घुस जाए तो इतना डीप जाना चाहिए उसको, वो हर चीज़ पढ़ने लग जाए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदने के बाद ही वेबसाइट से बाहर निकलेगा। तो प्रोडक्ट की कैटेगरीज को बहुत अच्छे से करना। देखिए, जो सोफे हैं उनको आप अलग कैटेगरी में रखिए, सारे सोफे को, रिक्लाइनर्स हैं उनको अलग रखिए, अलमीराज हैं, चेयर हैं, टेबल हैं, इसके अलावा साथ ही में आपको मैट्रेसेस भी ऐड करने हैं, और इन सारी चीज़ों की एक प्रॉपर कैटेगरी बनाकर उनमें सारी वाइड रेंज रखनी है। और साथ ही में चाहे आप वेबसाइट खुद बनाइए या किसी और से बनवाइए, एक चीज़ बहुत ध्यान में रखना, जब आपका काम नया है तो वेबसाइट को ओपन करते ही सबसे पहले ऊपर ब्लिंक होना चाहिए 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। समझिएगा, अभी आपको चाहिए कस्टमर, तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना मार्जिन निकालो, थोड़ा बहुत पैसा निकालो और खुश रहो उसमें। ये नहीं कि आपने सोच लिया कि यार जो 22,000 का बेड है इसको ही मैं 30,000 का बेचूंगा, 8,000 रुपये एक बेड पे कमाऊंगा, नहीं यार। सबसे पहले आपको डिस्काउंट बहुत ज़्यादा, जो चीज़ दिखती है वो बिकती है, सिंपल सी बात है। वेबसाइट ओपन करते हुए ही
बहुत ही क्लियर वे में ब्लिंक होना चाहिए, 30% डिस्काउंट ऑन बेड्स, 20% डिस्काउंट ऑन सोफाज, 10% डिस्काउंट ऑन मैट्रेसेस, इस तरीके से बहुत ही तरीके से, मतलब ऐसा दिखना चाहिए कि यार यहाँ पर मैं आया हूँ, ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है फर्नीचर्स को परचेज करने के लिए। साथ ही में दोस्तों, जब आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं तो आपका मेन प्राइम फोकस फर्नीचर के बिजनेस पे ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप वहाँ पर सोच रहे हो कि यार मैं होम फर्निशिंग के भी प्रोडक्ट रख लूँ, होम डेकोर के भी प्रोडक्ट रख लूँ, ऐसा मत करना। आप पहले मेन प्राइम फोकस रखिए अपना फर्नीचर पे ही, फर्नीचर की कैटेगरी जितनी ज़्यादा बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ाओ, बट बिजनेस चेंज मत करो। तो यहाँ पर ये सब आपको शुरुआत में नहीं करना है। देखिए, आपको ना बड़े बड़े हब ढूंढने हैं। जब आप फर्नीचर के बिजनेस में, सिर्फ और सिर्फ आप फर्नीचर के बिजनेस में घुसे हो ना, आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी, आपको बड़े बड़े हब, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब पता चल जाएंगी। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और सस्ते दामों में फर्नीचर को खरीद सकते हो, ताकि आपका मार्जिन और ज्यादा बढ़ता जाए। इसके अलावा दोस्तों, जब आपका बिजनेस चल रहा हो तो आपको क्या करना है, फर्नीचर के रॉ मटेरियल की डिटेल्स भी निकालते रहनी है कि सबसे सस्ती प्लाईवुड कहाँ से मिलती है, टीक वुड अगर हमें खरीदनी है तो वो लकड़ी कहाँ से मिलती है, प्राइस क्या पड़ता है, बड़े होलसेलर कहाँ पर हैं, ये चीज़ें आपको पता करनी है। अब जो फर्नीचर में फेविकॉल यूज़ हो रहा है, इस फेविकॉल के जो 10-10 लीटर के कैंटर्स आते हैं वो हम कहाँ से ले सकते हैं, 5 लीटर की कैनी हम कहाँ से ले सकते हैं, क्या प्राइस पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता कर लेनी है बिजनेस को चलते टाइम। जब आपका ऑनलाइन बिजनेस ऑपरेशनल है, आपको इस रॉ मटेरियल्स के बारे में पता करते रहना है, ताकि जब आप खुद का फिजिकल ऑफलाइन स्टोर डालें तो आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना आए। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आगे भी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.